जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी सर, हम यूपी से जौनपुर से बोल रहे हैं। हाँ जी बोले सर। ये वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जम्मू में तो हो जाता है ना? वो ऑनलाइन का नहीं बोलते, जहाँ आप रहते हैं वहीं करवाइए ना। तो सर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सर ऐसा है कि हमारा 8 जुलाई का कटा है टिकट। हाँ। उस डेट में मिल नहीं रहा है। तो क्या आपको कैसे पता कि जम्मू में भी मिलेगा? जरूरी भी नहीं है कि जम्मू में मिल जाए। नहीं, जम्मू में सर हर साल होता था, ऑफलाइन होता था। हाँ सर वो तो होता है, लेकिन इस बार बहुत प्रेशर है, कोई गारंटी नहीं है। जी होगा कि नहीं होगा, आप वहीं से कर दो, फिर वापस जाना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं होगा कि नहीं। नहीं अभी कंफर्म भी नहीं है, होगा नहीं होगा क्या हो कुछ पता नहीं, बेटर रहेगा वहीं से कर लेंगे। डेट पे नहीं मिल रहा ना। हाँ जी, कब तक ये क्लियर सब होगा कि होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, कब तक ये क्लियर होगा कि वहाँ पे नहीं होगा? वो तब कुछ दिन रह जाते हैं तब कंफर्म हो जाता है, उस पे अच्छा, मत रहिए। अच्छा, कहीं नहीं होगा? पहलगाम में भी नहीं होता होगा? नहीं, पहलगाम में नहीं होता है, वहाँ नहीं होता। पहले होता था श्रीनगर में और वहाँ पे कंफर्म नहीं है, होगा नहीं होगा अभी कुछ पता, हम बता नहीं सकते होगा नहीं होगा। हम बताएंगे होगा नहीं होगा तो क्या करोगे फिर? हाँ वो तो है ना, वो तो इसलिए अच्छा है कि आप जहाँ रहते हैं उसी स्टेट में करवाइए। डेट में सर आगे हो गया, ऑफलाइन भी हो गया, ऑनलाइन भी सब बुक हो गया है, क्या करें सर, तभी हम लोग सोचे अब लेट हो गए। हाँ अब जो हम लोग का टिकट जुलाई में कट गया है हट का, कन्फर्म है, तो वही सोच रहे थे अगर वहाँ से मिल जाएगा तो सही रहेगा। पहले कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन, फिर रिजर्वेशन कराना चाहिए। आप पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन को आप लटका देते हो। हम लोग सोचे टिकट नहीं मिल रहा है, आरएसी का निकलवा लिए। कराना चाहिए फिर रिजर्वेशन। तो अभी मतलब सर कोई क्लियर नहीं होगा कि नहीं सर? हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। ओके। जय भोले बाबा जी की। आप सभी भक्तों के लिए विशेष सूचना है, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि शाइन बोर्ड में भी शायद मेरे ख्याल से कॉल सेंटर में नए नए उन्होंने भक्त बिठाए हुए हैं, वो कई बार कुछ कह रहे हैं कई बार कुछ कह रहे हैं और यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी इस बात को लेकर कॉल आ रहे हैं। और दो तीन यात्रियों ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी, पर इसका करें तो करें कि समझ नहीं आ रहा मुझे भी कि शाइन बोर्ड के अधिकारियों को भी पता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देनी क्या है। जब उन्हीं को कन्फर्म नहीं है तो हम तो क्या इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे आपको? तो वो खुद ही इन बातों के कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, वो जैसे क्लॉक रूम को लेके कंफ्यूज है, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ले ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेके कंफ्यूज है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी कोई बड़े अधिकारी हैं शाइन बोर्ड में बैठे हुए हैं या जो कॉलिंग पे हैं, उनको सही गाइड करें ताकि वो हाँ या ना में सही बताएं, भक्तों में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें इस तरह की। जैसे देखिए इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि पता ही नहीं है, होगा नहीं होगा, वापिस जाना पड़ेगा, ऐसे अगर भक्तों को बोलेंगे तो भक्तों के दिल पर क्या बीतेगी? मुझे बहुत दुख हुआ रिकॉर्डिंग सुन के, क्योंकि ठीक है आप एक कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, पर भक्तों को जो सही इन्फो, या तो आप बताइए कि होगा या नहीं होगा। आपकी ही रिकॉर्डिंग मेरे पास 15-20 मिनट यूट्यूब पे डाली हुई है शाइन बोर्ड की, उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ आप वहाँ आ जाइए, वहाँ पे आराम से हो जाएगा, आप करवा लीजिए। अब ये किसी आज नए भैया को बिठा दिया यहाँ पे तो ये कह रहे हैं होगा ही नहीं, कल कॉल करेंगे तो होगा। भक्त काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शाइन बोर्ड के अधिकारियों तक ये बात पहुँचे और इस चीज़ को मतलब सबको कॉमन गाइडलाइन दें। एक ये ना कहे कि होगा, दूसरा ये ना कहे कि नहीं होगा, जो है होना है तो होगा, नहीं होगा तो वो अलग चीज़ है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी भक्तों को भी इन्फॉर्मेशन जाए, क्योंकि शाइन बोर्ड के माध्यम से सारी यात्रा चल रही है और हम भी वही इन्फॉर्मेशन देते हैं शाइन बोर्ड दे रहा है, पर वही कन्फ्यूज़ कर देंगे तो हम भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जय बोले बाबा जी की। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।